में अगर हम बात करें, फॉरेन कंट्रीज की अगर हम बात करें, तो मेक्सिको में 1300 सिर्फ केसेस निकल करके आते हैं, वहां एग्जाम कैंसिल हो जाता है। सऊदी अरबिया में 600, कुवैत में 1500 मात्र, मतलब 1300, 600, 1500 केसेस निकल करके आते हैं और वहां के जो एग्जाम्स हैं वो कैंसिल कर दिए जाते हैं और वहां के स्टूडेंट्स के लिए एक अल्टरनेटिव स्कीम की व्यवस्था की जाती है। हमारे यहां पे ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अभी मैं बात करूंगा गुजरात की, लेकिन गुजरात से बात करूं पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि परसों का अपडेट था कि उड़ीसा में सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया राज्य के, उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के घर के बाहर। जब वो विरोध करते हैं तो कल यानी कि अगले दिन उनका एग्जाम कैंसिल हो जाता है। मतलब क्या हम ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं कि बच्चे विरोध पे उतरेंगे या जब तक बच्चे चिल्ला के नहीं बोलेंगे, कैंपेन रन नहीं करेंगे, तब तक क्या चीजें सुनी नहीं जा सकती? अभी गुजरात की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे जो एग्जाम्स होने वाले थे, कंडक्ट होने वाले थे, ये क्लास 10 12 के एग्जाम्स होने वाले थे 10 से 25 मई के बीच में, ठीक है। अभी इन एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है, सीएमओ ऑफिस गुजरात, उनके द्वारा ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी गई कि भाई अभी जो एग्जाम्स है उसको पोस्टपोन करने का फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है और ये निर्णय लिया गया है बढ़ते मामलों को देख करके। लेकिन ये बढ़ते मामलों को देख करके मेरे ख्याल से 7-8 दिन पहले था। अब जो पर डे केसेस निकल करके आ रहे हैं, क्या इसके बाद में भी हम चांस लेना चाहें? और मुझे लगता है कि अगर एग्जाम्स को कैंसिल करना ही है तो मैं शुरू से कहते आ रहा हूं कि अगर हमें किसी को कुछ चीज देना है तो वो उस वक्त नहीं देकर के अगर हम 10 दिन बाद दें, 20 दिन बाद दें, भले ही उसको वो चीज मिल जाए लेकिन उसका इंपॉर्टेंस तो घट जाता है। बच्चे इस वक्त साइकोलॉजिकल मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बच्चे क्या, उनके पेरेंट्स, एवरीबॉडी जो भी इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है वो सब के सब मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। हालांकि गुजरात सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया कि क्लास 1-9 और 11 के एग्जाम्स जो हैं वो रद्द कर दिए, ऑल पास कर दिया, सभी बच्चों को पास कर दिया गया, अच्छी बात है। लेकिन तमिलनाडु के जैसा एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये मेरा बड़ा सवाल है। जब तमिलनाडु देश का पहला राज्य बना जहां पे वहां के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर के कहा कि भाई क्लास 1-9 10-11 सभी को एक साथ प्रमोट, ऑल पास की नीति पॉलिसी के तहत सबको पास, गुजरात में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ये मेरा एक बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। जबकि गुजरात के मामलों में हाईकोर्ट ने खुद टिप्पणी की है कि भाई गुजरात के कार्यालयों को, ऑफिस को, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस को कई एक्शंस लिए जाने चाहिए थे कई चीजों में, मैं सिर्फ बोर्ड एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं। अब जैसा अपडेट निकल करके आया है कि 15 मई को रिव्यू मीटिंग होगा सीएमओ गुजरात ऑफिस में या गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो करेंगे 15 मई को रिव्यू मीटिंग, उसके बाद में जाकर के कुछ अपडेट्स निकल करके आएंगे। अगेन मेरे समझ में नहीं आता है, आज हम खड़े हैं, अभी अप्रैल में भी अभी कई दिन बचे हैं, हम मई तक का वेट क्यों करें? जबकि भारत के शिक्षा मंत्री ने जब सीबीएसई के क्लास 10th एग्जाम्स को कैंसिल किया था तो उसी वक्त उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, भारत के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, शिक्षा मंत्रियों से रिक्वेस्ट किया था कि बोर्ड एग्जाम 2021 को कैंसिल करने का पहल उठाएं और सीबीएसई ने जिस तरह से कदम उठाया है उस कदम को फॉलो करें।